हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 8, जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। और इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बाद इसके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या होते हैं वो देखेंगे। जो बैंक्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हैं किसी भी बिज़नेस में फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल फिट सीबीएसई पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे और वीडियो देखने को मिले। तो देख लेते हैं कमर्शियल बैंक्स क्या हैं। बैंक्स सभी को पता क्या होते हैं। कमर्शियल बैंक्स ऑक्यूपाई अ वाइटल पोजीशन एज अ दे प्रोवाइड फंड्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस एज वेल एज फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड। बैंक्स प्रोवाइड लोन्स टू फर्म एंड टेक डिपॉजिट्स ऑल्सो। तो जो बैंक्स होते हैं वो एक बहुत ही वाइटल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं इंडियन इकोनॉमी में, और वो क्योंकि वो फंड्स प्रोवाइड करते हैं किसी भी पर्पस के लिए, वो फंड प्रोवाइड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए। और जो बैंक्स होते हैं वो लोन प्रोवाइड करने के साथ साथ अगर कोई फर्म है जो मनी डिपॉजिट करना चाहे, जिसके पास एक्सेस मनी, तो उनका मनी डिपॉजिट भी कर देते हैं। और भी बहुत सी एडिशनल सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करते हैं, वो सब हमने चैप्टर 4 में पढ़े थे। जो बैंक के कमर्शियल बैंक सर्विसेज है वो सब हमने पढ़े थे, तो आप वो वीडियो वापस जाके देख सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं जो कमर्शियल बैंक्स के मेरिट्स यानी जो एडवांटेजेस हैं कमर्शियल बैंक्स के वो। तो पहला है प्रोवाइडिंग फंड्स। बैंक्स प्रोवाइड फंड्स टू बिजनेस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो जब भी किसी बिजनेस को अगर फंड चाहिए तो वो बैंक के साथ जाके उधर बैंक में जाके फंड ले सकता है, और जब भी उसे फंड की ज़रूरत है बैंक हमेशा उसे फंड प्रोवाइड करता है। सेकंड है कॉन्फिडेंशियलिटी। बैंक्स कीप द इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर्स कॉन्फिडेंशियल एंड इट हेल्प्स द बिजनेस टू मेंटेन सीक्रेसी। तो अगर आप बैंक में कुछ फ़ंड लेने जाते हैं तो वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तो और जो वो सारे डॉक्यूमेंट में जो इन्फॉर्मेशन रहती है कस्टमर्स की, उन सबको बैंक जो होता है वो कॉन्फिडेंशियल रखता है, यानी किसी थर्ड पार्टी के पास पासवर्ड नहीं करता। इससे जो होता है कि बिजनेस की जो सीक्रेसी होती है, जो ट्रेड के सीक्रेट्स होते हैं वो सब कॉन्फिडेंशियल रहते हैं और किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं जाते। थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस एज द लोन अमाउंट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो आप कभी बैंक में जाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आपको कितने का लोन चाहिए, यानी आपको जितने का चाहिए आप ले सकते हैं। आप कभी भी इसे इंक्रीज या डिक्रीज यानी जितने आपको ज़रूरत है आप उतना ले सकते हैं। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल सोर्स है फाइनेंस का बिजनेस के लिए। फोर्थ है लेस फॉर्मेलिटीज। फॉर्मेलिटीज सच एज इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस एंड अंडरराइटिंग आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग लोन्स फ्रॉम अ बैंक। तो जैसे अगर कोई शेयर्स इशू करने हो तो उसके लिए हमें प्रॉस्पेक्टस, अंडरराइटर्स, ब्रोकर्स ये सब अपॉइंट करने पड़ते हैं, पर अगर हमें बैंक से कोई लोन चाहिए तो ये बहुत ही आसान है। बस हमें बैंक जाना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और फिर पैसे हमें मिल जाएंगे। तो जो फॉर्मेलिटीज है वो बहुत ही कम होती है बैंक में, अगर हम दूसरे सोर्स ऑफ फाइनेंस से कंपेयर करें तो। अब जो कमर्शियल बैंक्स के जो डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस हैं वो देख लेते हैं। पहला है शॉर्ट पीरियड फाइनेंस। फंड्स आर जनरली अवेलेबल फॉर शॉर्ट पीरियड्स एंड इट्स एक्सटेंशन और रिन्यूअल इज़ डिफ़िकल्ट। तो जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ये सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए फाइनेंस दे सकते हैं, जैसे 1 या 2 साल के लिए। उससे ज़्यादा का फाइनेंस करवाना बहुत मुश्किल होता है किसी भी कमर्शियल बैंक से। सेकेंड है रेस्ट्रिक्शंस। इन सम केसेज डिफ़िकल्ट टर्म्स एंड कंडीशंस आर इम्पोज बाई द बैंक्स। फॉर एग्जाम्पल रेस्ट्रिक्शंस मे बी इम्पोज ऑन सेल ऑफ अ मोर्टगेटेड गुड्स विच मेक्स वर्किंग और बिजनेस डिफ़िकल्ट। मोर्टगेटेड गुड्स यानी वो गुड्स जो आपने ऐसा कोलेटरल या सिक्योरिटी बैंक को दिया है, तो अगर बैंक उस गुड्स पे रेस्ट्रिक्शन लगा दे कि आप ये सेल नहीं कर सकते तो बिजनेस के लिए डिफ़िकल्ट होता है। और भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो बैंक लगा देते हैं अगर हम बैंक से कुछ लोन लेते हैं तो। थर्ड है डिटेल इन्वेस्टिगेशन। बैंक्स मेक अ डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑन द कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स एंड आस्क फॉर सिक्योरिटी ऑफ एसेट। दिस मेक्स द प्रोसीजर डिफ़िकल्ट। तो जो बैंक होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं कंपनी के जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, जो हिस्ट्री है, वो पूरा वो सर्च करते हैं। और अगर कंपनी की क्रेडिबिलिटी अच्छी नहीं है तो भी वो बैंक लोन नहीं देते, एडवांसेस नहीं देते, और पूरा जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है कंपनी का उसे स्टडी करते हैं और फिर वो कोलेटरल यानी कि सिक्योरिटी मांगते हैं कोई भी एसेट की। तो जो ये पूरा प्रोसीजर होता है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और बहुत टाइम लेता है, जिसकी वजह से बैंक से फंड लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट बन जाता है।